देखिए, पूरे देश में राजस्थान चर्चा का विषय बना हुआ है। कल मैंने बीजेपी के लोगों को देखा, आज भी देखा, कुछ बीजेपी के नेशनल लीडर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं राजस्थान को लेकर। मैं बीजेपी के लोगों को कह देना चाहता हूं, हमने किसी को भूख से नहीं मारा। इस देश में राइट टू फूड का अधिकार सोनिया गांधी जी ने दिया, और आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। 2011 के बाद आज तक मोदी सरकार ने 2011 की जनगणना के अनुसार ही गेहूं दे रहे हैं। खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून में 1 रुपए किलो 2 रुपए किलो गेहूं की योजना सोनिया गांधी जी मनमोहन सिंह जी लेकर आए, आज तक 2011 की जनगणना के अनुसार गेहूं मिल रहा, वो गेहूं नहीं बढ़ाया। राइट टू फूड हम लेकर आए, राइट टू इंफॉर्मेशन हम लेकर आए, राइट टू वर्क महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून हम लेकर आए, राइट टू एजुकेशन हम लेकर आए, एक एक कानून जो डायरेक्ट जनता को अधिकार देता है वो हम लेकर आए। कांग्रेस पार्टी में राजस्थान में पर्यवेक्षक आए, परिवार में कुछ बात हुई और बीजेपी ने शुरू कर दिया कि आप कांग्रेस में ऐसा हो गया, कांग्रेस में वैसा हो गया। राहुल गांधी जी पदयात्रा कर रहे हैं, तुम्हारे जुल्म और अन्याय के खिलाफ, झूठ फरेब और बीजेपी के धोखे के खिलाफ। बीजेपी ने कहा था अब और नहीं महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। या तो अंग्रेजों ने आटे और नमक पर टैक्स लगाया था, या फिर बीजेपी की सरकार ने आटा, दाल, चावल, नमक, दही, छाछ, मुरमुरे सब पर टैक्स लगा दिया। इस वक्त क्रूड ऑयल पूरी दुनिया में $100 से कम है, नीचे है, और इन्होंने पेट्रोल 108 रुपए पर लीटर बेच रहे हैं। मनमोहन सिंह जी के टाइम पर जब यूपीए की सरकार थी, सोनिया जी चेयरपर्सन थी, कई दलों की सरकार थी, उस वक्त पेट्रोल के दाम 70 रुपए लीटर थे। आपने टैक्स लगा लगा के जनता की जेब काट ली। 50 दिन दे दियो नोटबंदी के बाद, कहा देश बदल दूंगा, देश बदल गया। हर एक घंटे में 4 लोग आत्महत्या कर रहे हैं, ये देश बदला है आपने। राजस्थान की जो घटना आई वो हमारे परिवार का मामला है, आप खुद इस बात को जानते हैं। प्रभारी आदरणीय अजय माकन जी और खड़गे साहब आए उस दिन, हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, डोटासरा जी और मैं खुद तनोट माता जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे। तनोट माता जी का मंदिर वो है जहां पर पाकिस्तान ने 71 की लड़ाई में, जो मुझे याद है, हो सकता आगे पीछे हो डेट ये थी या वो थी, लेकिन पाकिस्तान से जब हिंदुस्तान लड़ रहा था 450 बम तनोट माता जी के मंदिर पर गिराए, लेकिन वो बम फटे ही नहीं। और उस मंदिर में हमारे जो ऊंट और हमारे जवान घुस गए, उनमें से एक नहीं मरा, सब ने मुकाबला करके पाकिस्तान को हराया। हम वहां से दर्शन करके जब आए, हमारे प्रभारी यहाँ आ चुके थे, मैं जाकर उनसे मिला, डोटासरा जी जाकर उनसे मिले। उस दौरान हमारे काफी विधायक धारीवाल जी के यहाँ इकट्ठे हो गए। माकन साहब ने मुझे कहा आप जाकर धारीवाल जी को लेकर आओ, उसके बाद, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा था आप डोटासरा जी, खड़गे साहब और माकन साहब को लेकर डायरेक्ट मुख्यमंत्री निवास मीटिंग में आ जाना। उन्होंने कहा धारीवाल जी के यहाँ MLA इकट्ठे हो रहे हैं, आप उनको लेकर धारीवाल जी के यहाँ, उनसे बात करके हम वहां चलेंगे। क्योंकि रात को 1:30, 2:30, 3:00 बजे तक फोन जा रहे थे, अचानक मीटिंग रखने के लिए केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा कहा गया था, प्रभारियों के द्वारा मीटिंग रखी गई। लोगों में रिएक्शन था, धारीवाल जी से जाके MLA ने गुस्सा व्यक्त किया कि हमने 34 दिन होटलों में बिताए सरकार को बचाने के लिए। हमारे साथ खुद अजय माकन जी, रणदीप सुरजेवाला जी, वेणुगोपाल जी डटे रहे, क्योंकि वो सोनिया गांधी जी का कैंप था जिसको अशोक गहलोत जी लीड कर रहे थे, सरकार बचाने का संघर्ष कर रहा चल रहा था। मध्य प्रदेश में विधायक खरीद घोटाला हुआ, कांग्रेस की सरकार गई। गोवा में पूरे के पूरे 8 कांग्रेस के विधायक बीजेपी वाले खरीद कर ले गए। और महाराष्ट्र में तो कमाल कर दिया, पूरे ठाकरे फैमिली का इतना रुतबा वहां भी खरीद कर ले गए। एक एक स्टेट में जहां इन्होंने अटेम्प्ट किया वहां सरकार इन्होंने गिरा दी। हम बीजेपी की आंख की किरकिरी बन गए। बीजेपी यदि कहीं पर सरकार गिराने में असफल रही तो राजस्थान था। राजस्थान के विधायक इंटैक्ट रहे, 102 विधायक जिनको ये कहा गया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा, मैं आपका अभिभावक हूं, आपके लिए मैं जी जान लड़ा दूंगा, आपके हर सम्मान की अधिकार की लड़ाई मैं लड़ूंगा, अलग पार्टी के नेतृत्व से बात करनी होगी तो उनसे भी मैं बात करूंगा, अपने अभिभावक को ढूंढने के लिए, धारीवाल जी से लड़ने के लिए वहां चले गए। बाढ़ में विधायक वहां इकट्ठे हुए, जब उनको, अब ये था या नहीं था ये क्लियर नहीं है,
पार्टी नेतृत्व तो हमारा है, सोनिया गांधी जी को पूरा देश जैसे राहुल गांधी जी की माँ है वैसे अपनी माँ मानता है, क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता अपनी माँ समझता है और वैसा ही सम्मान देता है कि जब प्रधानमंत्री वो बन रही थी उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी के ठोकर मार दी, और मनमोहन सिंह जी जैसे अच्छे व्यक्ति को दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक विशेषज्ञ को भारत का प्रधानमंत्री बनाया, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, 10 साल तक उन्होंने शासन किया, उस शासन को लोग आज भी याद करते हैं, कहते हैं हमें कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार वापस लौटा दो, हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए, पुराने दिन चाहिए। जो इस तरह का शासन जिसने दिया उन सोनिया गांधी जी, जो डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, जो राहुल गांधी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं, जो खुद कह रहे हैं कि एक व्यक्ति दो व्यक्तियों की दादागिरी देश में नहीं चलनी चाहिए, दो उद्योगपति पूरे देश में शासन कर रहे हैं उनका जुल्म नहीं चलना चाहिए, जो राहुल गांधी पैदल हजारों किलोमीटर इसलिए चलेंगे क्योंकि नफरत की राजनीति बंद करनी है, धर्म के टकराव के नाम पर महंगाई भुलाना चाहते हो, भूख को मिटाना चाहते हो, भ्रष्टाचार को बढ़ाना चाहते हो, बेरोजगारी को बढ़ाना चाहते हो, 2 करोड़ लोगों को वादे के अनुसार नौकरी देना नहीं चाहते और कांग्रेस पे ऊपर रोज आरोप लगाते हो, उन्हीं राहुल गांधी जी के रोज आप जितनी रिकॉर्डिंग है उनको तोड़ मरोड़ करके पेश करते हो, वो भाषण क्या देते हैं, बीजेपी का सोशल मीडिया दिखाता क्या है, इससे कांग्रेस कमजोर नहीं होगी लेकिन और बीजेपी जब रोज विधायक खरीद घोटाला कर रही है तब वो अपने पाप नहीं देख रहे। राजस्थान में कांग्रेस परिवार में थोड़ी सी बात शुरू हो गई, कांग्रेस के विधायकों ने अपने मन की बात, अपने अधिकार की बात अपने सोनिया गांधी जी राहुल गांधी जी तक पहुंचा दी और गुस्से में अपना इस्तीफा पेश कर दिया, तो ये तो हमारे परिवार का मामला है, इसमें एक भी विधायक सोनिया गांधी जी राहुल गांधी जी के खिलाफ नहीं है। अशोक गहलोत जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, वेणुगोपाल जी इनके खिलाफ नहीं है, एक एक विधायक इनके आदेश पर आज भी ईडी इनकम टैक्स सीबीआई से लड़ने को तैयार है। महंगाई गरीबी बेरोजगारी के खिलाफ रैली होती है तो रातों रात 50,000 से ज्यादा लोग अशोक गहलोत जी डोटासरा जी के साथ दिल्ली पहुंचकर रैली में शामिल होते हैं। आज भी राजस्थान का कार्यकर्ता, ये राजस्थान वीरों की भूमि है, ये भक्त शिरोमणि मीरा की धरती है, ये महाराणा प्रताप और पन्ना धाई की धरती है, ये शौर्य और स्वाभिमान की धरती है, इस राजस्थान की धरती के शौर्य स्वाभिमान को दुनिया मानती है। यहाँ का आदमी लड़ सकता है, मर सकता है लेकिन झुक नहीं सकता और अपने नेताओं के लिए अपनी जान दे सकता है। उस राजस्थान की धरती पर कांग्रेस की योजनाएं बोल रही है, कांग्रेस का काम बोल रहा है, कांग्रेस की गहलोत सरकार ने यहाँ पर 10 लाख तक का मेडिकल इलाज प्राइवेट अस्पतालों में फ्री कर दिया, भर्ती हो जाओ 10 लाख रुपए सरकार देगी, 5 लाख तक का एक्सीडेंट बीमा फ्री कर दिया, 50 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी, 10 लाख से ज्यादा घरों में बिजली फ्री है, वहां 50 यूनिट ही बिजली जलती है, जहां पर 1 करोड़ घरों में बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन 1500 1250 और 750 रुपए पहुंचती है, कहीं 3000 कहीं 4500 जैसे जितने लोग उस घर में है वहां 1 करोड़ घरों में पेंशन पहुंचती है। जहां पर इंदिरा रसोई योजना चल रही हो, जहां पर उड़ान योजना लेकर आए पहली बार 13 साल की बच्चियों से 12 साल की बच्ची से लेकर 49 साल की महिला तक, जहां पर पैड फ्री योजना लेकर आए, अब 1.5 करोड़ लोगों को 1.5 करोड़ महिलाओं को मोबाइल फ्री देने की योजना है। हमारी योजनाएं बोलती है इतनी योजनाएं जिसमें किसान को हर महीने 1000 रुपए मिलते हैं, वो योजनाएं मैं पूरी गिना तक नहीं सकता। रोडवेज की सरकारी बसों में पहली बार, जब हम ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे तब मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की, आज वो चल रही है, कोई भी बच्चा एग्जाम देने के लिए जाएगा तो उसका किराया नहीं लगेगा, आज माता पिता को चिंता नहीं है, लेकर भी जाएंगे एग्जाम दिलाने के लिए राजस्थान के किसी भी कोने से और छोड़ने भी जाएंगे। एक से बढ़कर एक योजना राजस्थान में बीजेपी पिट रही है। वल्लभ नगर में बीजेपी की जमानत जब्त हो गई उपचुनाव में, धरियावद में 3रे नंबर पर आई और बीजेपी पंचायत नगर निकाय के चुनाव हार गई, और इस दौरान जब षड्यंत्र हुआ तब उसके बाद परसों या पड़ले रोज परसों की बात ऐसी आई, हमारे विधायकों ने ये एक साथ इकट्ठे होकर धारीवाल जी पे प्रेशर किया कि ये जो मीटिंग रखी गई है
हमारी बात सुनी जाए। वो लोग जो सोनिया गांधी जी के कैंप के खिलाफ बीजेपी के कैंप में बैठे थे, जो छोड़कर चले गए थे, आपने उनमें से कुछ को मंत्री बना दिया। यदि उनमें से मुख्यमंत्री बनाते हैं तो हम इस्तीफा दे देंगे। लोग सीपी जोशी जी के घर आए, अपना इस्तीफा दे दिया। हम लोग खुद माकन साहब और खड़गे साहब से सीएम साहब के यहाँ मिले, चार लोग। हमने विधायकों की डिमांड बताई, चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी ने कहा एक ही लाइन का प्रस्ताव होता है और इस तरह से मुद्दे नहीं रखे जाते। हमने कहा ओके ठीक है, हम वापस ले लेंगे, लेकिन ये हमारे घर का मामला है। प्रभारी यदि दो दिन और रुकते माकन साहब और खड़गे साहब तो नवरात्रा करने के लिए विधायक चले गए थे। नवरात्रा बड़ा त्यौहार है, आप जानते हैं, बहुत लोग राजस्थान में पानी नहीं पीते, खाना नहीं खाते, नौ नौ दिन तक घर से बाहर नहीं निकलते। मैं आपको दोनों पार्टियों के कम 20-25% MLA ऐसे दिखा दूं जो घर से बाहर नहीं निकलते जब पूजा करते हैं। तो आप मुझे ये बताइए, ये काम आपस में बातचीत से निपट जाएगा? लेकिन जैसा हुआ इतना मुझे पता नहीं था। नेशनल मीडिया जिस ढंग से दिल्ली से आया, मैं सुबह से मेरे घर पे बिना नहाए 8 बजे से एक एक आदमी को बाइट दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा दरवाजा खुला है। सब जानते हैं मैं जयपुर का लोकल हूँ, रोड मास्टर हूँ, कार्यकर्ता हूँ, और सरकार की तरफ से प्रेजेंट करता हूँ प्रेस को और बोलता हूँ सरकार की तरफ से हर कैबिनेट की मीटिंग के बाद और सरकार के प्रवक्ता के रूप में। लेकिन ये कोई टकराव नहीं है, ये परिवार का मामला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जब ये कहा, ये बोला गया कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, उनका बयान आया कि मैं एक ही पद पर रहूंगा तब न्याय होगा, तो सारे MLA ने कहा जब ये एक ही पद पर रहेंगे तो सबके मन में ऐसा था कि ये 17-18 अक्टूबर के बाद जाएंगे। अचानक पता चला ये जाने वाले हैं और ऐसे मीटिंग हो रही है, मुख्यमंत्री का फैसला हो रहा, हो सकता है उस मीटिंग में नहीं हो रहा हो, तो मेरी नॉलेज में नहीं, क्योंकि मैं 6 बजे यहां से पहुंचा तो वहां इकट्ठे हो चुके थे MLA। तो मैं इतना कह रहा हूं कि जब ये बात अपने परिवार में कोई नहीं उठाएगा, अपने नेता को कोई नहीं कहेगा, तो डेमोक्रेसी रहा आप बताइए? डेमोक्रेसी में फैसला संख्या के आधार पर होता है। देश में लोकतंत्र बचाने के लिए राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं। लोकतंत्र ये कहता है कांग्रेस पार्टी में यदि 100-102 MLA एक तरफ है, 18-19 MLA एक तरफ है, तो 102 की आवाज सुनी जानी चाहिए भाई साहब। अब आप बताइए, मैनेजमेंट से, मीडिया मैनेजमेंट से, परसेप्शन से राजनीति नहीं चला करती। राजनीति में लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत से एक सरकार बनती है। ये कोई सरकार राजस्थान की किसी एक नेता की मेहनत से नहीं बनी, लाखों कार्यकर्ता लगे। मैं भी जयपुर में लड़ रहा था, प्रदेश में सचिन पायलट जी, अशोक गहलोत जी, तमाम नेता लड़ रहे थे, मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ता लगे हुए थे, तब एक सरकार बनी। यदि बहुमत के साथ 102 MLA, 90 MLA, 92 MLA यदि एक आवाज उठाते हैं तो संख्या बल के आधार पर लोकतंत्र में फैसला होता है। बिना संख्या के लोकतंत्र में फैसले नहीं हुआ करते। अपने नेताओं से हमने बात कही है, हमें हक है उनके ऊपर, तो हमने जो मुद्दे उठाए, मुझे पूरा विश्वास है हमारी नेता सोनिया गांधी जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी, अजय माकन जी, खड़गे साहब, वेणुगोपाल जी, सब हमारी आवाज को सुनेंगे, समझेंगे और राजस्थान में न्याय होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा। जहां संख्या ज्यादा है और जो लोग हमेशा लॉयलिस्ट रहकर कांग्रेस के साथ खड़े रहे हैं, उन लोगों का सम्मान होगा और बीजेपी के षड्यंत्र का पर्दा साफ फाश होगा, क्योंकि ED, इनकम टैक्स, CBI जयपुर में बैठे हुए पिछले 1.5-2 महीने और अपना काम कर रहे हैं। राजस्थान में षड्यंत्र शुरू हो रहा है, हो गया। आप मुझे इसको मजाक समझेंगे कि मैं पॉलिटिकल रंग दे रहा हूं, कोई पॉलिटिकल रंग नहीं। मैं आज आपसे कह रहा हूं, पिछली बार मैंने अशोक गहलोत जी से पूछा, उनको कहा था राजस्थान में बीजेपी ने षड्यंत्र चालू कर दिया है, अमित शाह से मीटिंगें हुई थी, धर्मेंद्र प्रधान एक्टिव हो गए थे, लोग चले गए थे, इसलिए आप ये मानकर चलिए आज भी बीजेपी एक्टिव है, राजस्थान को तो टारगेट कर रखा है। अमित शाह जी ने क्या कहा था, हम आ रहे हैं कुर्सी खाली करो जोधपुर में जाकर, धमकी दे रहे थे लगातार यहां सबके सामने, वो बोल कर गए कुर्सी खाली तब होती है अमित शाह जी जब वोटिंग हो जाती है, ये वीरों की धरती है, हम बीजेपी की धमकियों से डरते नहीं है, अपनी बात ईमानदारी से अपने नेतृत्व के सामने उठाते हैं। हमारे नेतृत्व के सामने अपनी बात हम इसलिए उठाते हैं, नेता हमारे हैं, उनके लिए एक एक कार्यकर्ता सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है, मुझे भरोसा है वो सब मिलकर न्याय करेंगे। अब आपका कोई सवाल हो तो बताइए। आप कह रहे हैं कि नंबर गेम में स्ट्रांग, आप थोड़ा जी तो कह रहे हैं कि अगर वन बाय वन बात किया जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, नंबर गेम की खबर नहीं, नो डाउट, वो हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं, और कोई बात
वो मेरे मित्र हैं कह सकते हैं। आपने बिल्कुल ठीक सवाल उठाया जॉय सर, आप ये मानकर चलिए सीएलपी की मीटिंग बुलाई गई रात को 1:30 बजे। मेरे पास महेश जोशी जी का फोन आया, मैंने महेश जोशी जी से कहा भाई रात को 1:30 बजे फोन क्यों कर रहे हो? बोले यार मेरे को 11 बजे सूचना मिली है। मैंने कहा लोग नवरात्रा में गए यार महेश जी, क्या कर रहे हो बता देते, बाद में रख लेते मीटिंग। अरे यार जरूरी है मीटिंग, काय की जरूरी है, घर को मामलो है यार, 15 दिन बाद रख ली जो नवरात्रों के बाद। अड़ गए महेश जोशी जी। दूसरे दिन हमें तनोट माता जी के जाना था, मैं मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब मैं और डोटासरा जी चले गए, वहां फोन नहीं पकड़ता। हम 6 बजे उतरे, उतरते ही डोटासरा जी मिलने गए, बाद में मैं माकन साहब से मिलने गया। माकन साहब ने कहा आप उनको लेकर आओ धारीवाल जी को, काफी एमएलए वहां इकट्ठे हो गए। जब मैं वहां पहुंचा 50 से ज्यादा एमएलए थे, आप लोग मुझे वहां मिले थे। बाद में 90 से ऊपर संख्या चली गई 92 तक। एमएलए जो 34 दिन तक होटलों में बंद रहे, आपको याद है जब राज्यपाल के यहाँ हम गए थे, आप में से बहुत लोग गवाह है, तब अब पहले हमको अंदर नहीं घुसने दिया, जबरन हमने बस घुसाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद नीचे उतरे कार्यकर्ता की तरह, धक्का मार के गवर्नर के गार्डों को और अंदर घुसे कांग्रेस के एमएलए। हमने परेड करवाई गवर्नर साहब के सामने, कलराज मिश्र साहब के सामने। हम धरने पर नीचे बैठ गए, नाश्ता अंदर नहीं आने दिया, आप खुद याद है आपको, भूखो मर गए, पानी नहीं मिला। 4 बजे बड़ी मुश्किल से पुलिस में आपस में टकराव हुआ, नाश्ता और पानी गवर्नर हाउस के अंदर आया, तब गवर्नर हाउस बाहर आए, हमसे बात की और वो मामला वहां रुका। आपको याद है सरकार, जब मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया था यदि बीजेपी जबरन सरकार पर कब्जा करेगी, आर पार का संघर्ष होगा, चाहे गोलियां चला दे हमारे ऊपर, शपथ नहीं लेने देंगे, वो दिन भी मेरे को याद है। क्या बात करते हैं, बड़ी मुश्किल से सरकार बची। आज यदि बहुमत को हम छोड़कर 102 लोग जो लड़े सरकार को बचाने के लिए और कांग्रेस के लिए सोनिया गांधी जी के आह्वान पर होटल में बैठे रहे, आज यदि उनमें से कोई नहीं बनता है, बिना एमएलए की बात किए बिना इच्छा के कोई बनता है, वो एमएलए को कहेगा इसको बाहर निकालो, ये नहीं, इसने नहीं बनाया। 1.25 साल चुनाव के बचे, आश्चर्य है मुझे, राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति सबसे बड़े स्टेट में मजबूत है, वो कहेंगे बाहर निकालो इनको। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे अभियान को फेल कर दिया और उन लोगों को चुन चुन कर मारा जाएगा। क्या वो एमएलए समझते नहीं है? आप भी जानते होगा क्या टकराव भी होगा। ये प्रताप सिंह खाचरिया आवाज ज्यादा बोल रहा था, तो सरकार में बैठे हुए लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए लोगों में रिएक्शन है, अपनी बात कह रहे हैं। पार्टी के नेतृत्व का हम सम्मान करते हैं, मैंने कहा जान भी दे सकते हैं। सीएलपी की मीटिंग उस दिन नहीं हो पाई, हम गए, 3 मुद्दे हमने रखे, 1 मुद्दे के लिए अशोक गहलोत जी ने डांटा, उस वक्त था सिर्फ 1 प्रस्ताव पास होता है, अब मीटिंग हो जाएगी, जरूरत होगी हम दिल्ली जाएंगे, बात करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। ऐसा हम पार्टी हाईकमांड को, पार्टी नेतृत्व को चुनौती नहीं दे रहे हैं, उनको तो हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि एमएलए की भावना समझना, क्योंकि आप डेमोक्रेसी को बचाने के लिए कांग्रेस लड़ रही है और डेमोक्रेसी बीजेपी में नहीं रही, वो मनमानी कर रहे हैं। लोग आज कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि कांग्रेस में कार्यकर्ता की बात सुनी जाती है। मुझे उम्मीद है हम कार्यकर्ताओं की बात कांग्रेस में सुनी जाएगी। प्रताप जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि सचिन जी अगर सीएम बनते हैं तो दैट इज अ बीजेपी प्रॉब्लम? हर्षा जी एक बात आप मानकर चलना, आप लोग क्या व्यक्तियों से बाहर निकलिए, आपके पास दिक्कत यह है कि ना तो मेरा कोई व्यक्ति दुश्मन है ना मैं किसी से नाराज हूं, ये एथिक्स की बात आ गई। माने सर मैं नहीं गया था, मैं तो सोनिया गांधी जी के कैंप में था, पंजे के साथ था। दिक्कत ये हो गई, आपको ये दिखाई क्यों नहीं दे रहा है कि बहुमत कहाँ है? हमें ईमानदार होना पड़ेगा, बहुमत नहीं है तो आप लिख दो बहुमत नहीं है, आप जाना वास्तव में इस्तीफा देकर आए 92 विधायक। अब किसी जगह अभी गंगा देवी जी मेरे पास बैठी थी, मेरे यहां से जयपुर से तो एमएलए मेरी खास है बड़ी बहन, पता नहीं उनका कोई वीडियो डाल रहा है, अकेले में जाके दिखा रहा है। मैं कह रहा हूं कोई भी पक्ष पार्टी नहीं बनना चाहिए। और कोई बात तो बताइए प्रताप जी, अभी आप लोग एक बात तो मान के बैठे हैं कि 102 में से आप किसी को भी बना रहे हैं, रेवोल्यूशन के टाइम पे भी आपने यही वाला एक बैरियर लगाया, ठीक है। अब आप ही के अपोनेंट चाहे चाहे राजेंद्र गुड़ा हो या तमाम लोग हो, वो ये कह रहे हैं कि आज आप 102 की बात करते हैं, हेमाराम चौधरी, ब्रजेंद्र ओला और उसके अलावा आपके रमेश मीणा, ये वो लोग थे जो मानेसर गए थे और जिन्होंने सरकार को टॉपल करने की कोशिश की, आपने उनको तो मंत्री बनने। आपने बहुत अच्छी बात कही मनीष जी, ये सही बात है, 5 लोग मिनिस्टर बने, उस वक्त लोगों का रिएक्शन हुआ,
अशोक गहलोत जी के सामने लोग इकट्ठे हुए, आज अंदर की बात बता रहा हूँ, बड़ी बड़ी नाराजगी व्यक्त की। अशोक गहलोत जी ने कहा तुम मेरे ऊपर भरोसा करो, तुम्हारे सम्मान को ठेस नहीं पहुंचेगी। और ये बात सब अशोक गहलोत जी, तभी तो अशोक गहलोत जी को उस दिन मिलना चाहते थे कि अभिभावक कहाँ है। अभिभावक ने कहा था कि आप चिंता मत करो, हाईकमान से मैं बात करूंगा, मैं तुम्हारा अभिभावक हूँ। तो कल मैं सीएम साहब से मिलने गया था, मैंने कहा साहब वो अभिभावक को ढूंढ रहे हैं सारी। सर बोले यार नवरात्रों के बाद जब आएंगे सबसे एक साथ मिल लेंगे और बैठ कर बात करेंगे, मेरा परिवार है। और ये बातें देखिए, आप इस बात को तो मानते हो, कांग्रेस हो या बीजेपी, आप व्यक्तिगत मैं मेरी विचार दे रहा हूँ, कहीं पर भी चुनाव से फैसला होता है, जब वोटिंग होती है तो केंद्र में बीजेपी की सरकार बनती है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनती है। हम सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में लड़ते हैं, वो लोग नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ते हैं। आप मुझे ये बताइए, वोटों की गिनती से एमएलए का फैसला होता है, वोटों की गिनती से एमपी का, और वोटों की गिनती से ही राय मशवरे से प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का फैसला होता है। ये बात आपने अच्छी कही है, नो डाउट, ये हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, इसमें हम गलत हो सकते हैं, लेकिन जो अफवाह फैली और जो मीडिया ने धर्म का काम किया और जिस तरह से आपने खबरें चलाई और जो मैनेजमेंट नजर आने लगा, वाह वाह, तो फिर सारे एमएलए में ये हो गया कि फैसला हो गया और एमएलए मुख्यमंत्री निवास पर इकट्ठे होने की बजाय धारीवाल जी के यहाँ जाकर खड़े हो गए। धारीवाल जी जैसे अभी बोलते हैं ना, वैसे ही तब रोज भाषण देते थे, चिंता मत करो बीजेपी से हार की पार हो जाएगी, तुम एमएलए के लिए मैं अकेला मैं लड़ूंगा, और वो लड़ते भी है विधानसभा में। तो ऐसे में यदि धारीवाल जी के घर पे जाके इकट्ठे हो गए तो धारीवाल जी उनको धक्का देके चले जाएंगे, वहां से पकड़ लिया उनको। देखिए अब सब तरह की बातें आती है और कोई भी इस तरह की बात कहे तो तथ्यों के साथ उनको सामने आना चाहिए, और कोई बताए। राजेंद्र यादव मंत्री हैं, इनकम टैक्स ने 10 दिन तक रेड की है। आप भाई साहब दिल्ली से आए, मैं आपको जानता हूँ, सुबह से आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ लगातार, और राजेंद्र यादव मैं ईडी की कार्रवाई भुगत चुका हूँ, ये सब जयपुर के लोकल लोग जानते, मेरी बात तो सुन लो। अरे बीजेपी सरकार गिराने की पहले भी कोशिश कर चुकी है, काम ये एक चल रहा है, बीजेपी तो देश में एक ही काम कर रही है, ना रोटी देंगे बीजेपी वाले, ना रोजगार देंगे, ना महंगाई कम करेंगे, ना राहुल गांधी की आवाज सुनेंगे, ना कांग्रेस की, वो तो सरकारें गिराएंगे और कहेंगे ऐसे ही चलती है सरकार, अभी 8 ले गए, तोड़ ले गया ना 8 के 8, गोवा में साफ, महाराष्ट्र में साफ, अब नींद चादर ओढ़ सो जावा कहीं, आओ बीजेपी वाला माने मारो तो भाई साहब, वैसे तो नहीं मारेंगे, लोकतंत्र के हिसाब से मरेंगे क्या? बीजेपी वाले बड़े धार्मिक हैं, गोवा में धर्म का काम कर गए, ठाकरे फैमिली, बाल ठाकरे साहब जिनके कंधों पे चढ़ के बीजेपी ने सत्ता प्राप्त की महाराष्ट्र में, उनके बेटे उद्धव ठाकरे को निपटा दिया, चलो शिवसेना तोड़ दी, तो बीजेपी बीजेपी है। आपने आप कर चुकी सवाल, प्लीज मैडम। एक बात मुझे, आपने अच्छा सवाल किया है, जॉय सर ने अच्छा सवाल किया है, अशोक गहलोत जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नाम चला, हमें भी खुशी हुई, गहलोत साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रही है, तो टीवी पे हम भी देख रहे थे, हमें कौन सा वहां कोई बुला के ये कह रहा है कि आप, मैं यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर जरूर हूँ लेकिन दिल्ली में मुझे, अब मैं पता आजकल मैंने ये तय किया है, बीजेपी हो या कांग्रेस, राजनीति में दिल्ली में भी पकड़ होनी चाहिए। दिल्ली में तो मैं तो बहुत कमजोर हूं, अब मैं आप लोगों से जो दिल्ली के पत्रकारों से दोस्ती करूंगा, आप जितने आए हो मेरा ध्यान रखना दिल्ली में, अलग से मिलूंगा आप, और आप लोग नाराज मत होना, मैं ऐसे बोल लेता हूँ, ये तो क्या आदत पड़ गई, तो मेरे से लड़ते भिड़ते रहते हैं यहाँ वाले। मैडम प्लीज एक मिनट मेरी सुन, एक मिनट प्लीज मैडम, अरे मैं जवाब तो दे दूं, देवी सुन लो मैडम, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे अच्छा लगा कि मैं जिंदगी भर यहाँ घिसता रहा सड़कों पर, दहंगा सी, ये देखो हाथ कट गए, ये हाथ नहीं जुड़ता, ये देखो ये आंदोलन की देन है, छात्र आंदोलन की, मेरे बड़े फादर 3 बार सीएम रहे राजस्थान के, फिर भी मैं कभी रिक्शे वाले के साथ लड़ा, कभी टांगे वाले के साथ, कभी स्टूडेंट के लिए, कभी राजस्थान बंद कराया, कभी जयपुर में जनता कर्फ्यू लगाया। दिल्ली के पत्रकार आते हैं मेरे से किसी से बारे में पूछते हैं, लोकल ने पूछ काका
खून बहा दिया, हाथ कटवा लिए, राजस्थान के हर डिस्ट्रिक्ट में लड़ा, हर कोने में लड़ा, हर ढाणी में लड़ा। आदरणीय सोनिया गांधी जी ने पार्लियामेंट का टिकट दिया, कांग्रेस में सम्मान दिया, आया तब कहा, जब बीजेपी ने विद्रोह किया तब मैंने क्या कहा, तब मैंने कहा प्रताप सिंह खाचरियावास पंजे के साथ है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के साथ है, किसी के साथ नहीं, तब मैंने ये कहा था। और वो कैंप तब वेणुगोपाल जी, अजय माकन जी और रणदीप सुरजेवाला जी ने फेयर माउंट होटल में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में आयोजित किया। तो वो जो कैंप था वो तो उन्हीं का था। पंजे के साथ खड़ा होना गुनाह है, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में लड़ना गुनाह है। अशोक गहलोत जो सोनिया गांधी जी के प्रतिनिधि हैं, उनके फॉलोअर हैं, उनके नेतृत्व में लड़ना गुनाह है। हम सब एमएलए उन्हीं के नेतृत्व में लड़ रहे थे 34 दिन तक, आज भी संख्या उनकी ज्यादा है। और लोकतंत्र में सच बोलना गुनाह नहीं है, परिवार में अपनी आवाज उठाना लोकतंत्र है, और जो मौके पर चुप रहे उसको चुनाव लड़ने का, राजनीति करने का अधिकार नहीं है। अपने घर में बोलना हो, घर के बाहर बोलना हो, सरकार के खिलाफ बोलना हो, बोलना चाहिए। इसलिए आज हम बोल रहे हैं और सब हमारे परिवार के सदस्य हैं, नेतृत्व हमारा है, सोनिया गांधी जी हम सब की माँ के समान है, राहुल गांधी जी की उम्र के ही हम लोग हैं। मुझे भरोसा है वो न्याय करेगी, और न्याय ऐसा होगा जो हिंदुस्तान में मिसाल बनेगा, लोकतंत्र मजबूत होगा और देश कहेगा कांग्रेस में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में संख्या के आधार पर, लॉयलिस्ट के आधार पर कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने फैसला किया। एक बात आप ध्यान रखना, ना तो हम ये कह रहे हैं कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष मत बनाओ, अरे मारी सुन तो लियो सचिन जी, सुनिया तो करो यार, दिक्कत नयो काम चालू हो गयो, पूरी देश की मीडिया का डाटा है, कोनी मकड़ा भी दिख रहा है, नया भी दिख रहा है। नहीं नहीं आप यार मनीष जी, आप मेरे जूनियर रहे हो, यूनिवर्सिटी में क्रिकेट खेलते थे आप यार, राजस्थान यूनिवर्सिटी की टीम में खेलते थे, थके चौके मारते। को ये कह रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बने मुझे खुशी होगी, मुख्यमंत्री वो रहे मुझे खुशी होगी, क्योंकि हम राजनीति में अशोक गहलोत जी के सामने बच्चे हैं, अशोक गहलोत जी से राजनीति सीखते हैं। वो लगते बहुत विनम्र भले आदमी है, पतला दुबला आदमी, धीरे धीरे चलता है, हंसते हैं, करते हैं, लेकिन राजनीति की जादूगरी अशोक गहलोत जी से सीखनी चाहिए। कैसे लोगों को ऐसे धीरे से देते हैं योजना, आज से दवाई फ्री, जांच फ्री, बढ़िया बढ़िया शहरी रोजगार गारंटी कानून सोनिया गांधी जी के रास्ते पर चलकर उन्होंने गांवों में लगाया, पहला मुख्यमंत्री जिसने शहरों में लगा दिया, जो भी अप्लाई करेगा रोजगार की गारंटी। अरे भूखे को रोटी चाहिए, बेरोजगार को रोजगार चाहिए, जब कोका नहीं सोएगा, इलाज के अभाव में किसी की मौत नहीं होगी, चाहे मेरा पूरा खजाना खाली हो जाए, हमने काम में कमी नहीं रखी, हमें तो जरूर मिलूंगा मीडिया। और यदि वो कोई बात कहते हैं तो उस बात के ऊपर मेरा टिप्पणी करना ठीक नहीं है, वो आपको उनके पास जाना चाहिए, यदि उन्होंने बात उठाई है तो उसका जवाब वो ही देंगे। अभी आपने अच्छी कही दोस्त जी, क्या इसी वो आखिरी रास्ते हो गई, अचानक हुए ना खेल, आदमी को जब अचानक कोई हमला हो जाए मेरे ऊपर तो मेरे में मैं क्या करूंगा, मैं मेरी स्टाइल बता रहा हूं, मैं मानता हूं ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, तो मैं क्या करूंगा, भागूंगा नहीं, मैं जानता हूं भागूंगा तो मुझे पकड़ के जान से मार देंगे, तसल्ली से मारे, अरे इसको बांध प्रताप सिंह, मेरा क्षत्रिय हूं, कछावा वंश का क्षत्रिय हूं, भगवान राम का वंशज मानते हैं हम अपने आप को, हम हैं ऐसे दस्तावेज हैं कि हम भगवान राम के वंशज हैं, कछावा वंश के क्षत्रिय है, और आज आपसे कह रहा हूं मुझे कोई मारेगा चाहे हजार हो तो मैं लड़ूंगा, मेरा नेचर है, चाहे मैं नेता हूं मैं लड़ूंगा, अरे यार तो मर के ऐसे क्या लड़के मर। अब अचानक बेचा इतने एमएलए के, राजस्थान की धरती तो वीरों की धरती है, और वीरों की धरती पे एमएलए 50,000 से ज्यादा इकट्ठे होकर रैली में गए थे, यही एमएलए भीड़ लेके गए थे दिल्ली, यही एमएलए लड़ते और मरते हैं, यदि उन्होंने गुस्से में इस्तीफा दे दिया तो अपने परिवार में, अपनी माँ के सामने, अपने नेता के सामने दिया है तो वो बुला के पुचकार लो, प्रभारी आए थे 4 दिन रुक जाते, उनको वापस बुला ले, 2 से कर लेते, भीड़ में कर लेते, है तो परिवार का मामला, गलत कह रहा हूँ क्या, हमें तो एक दूसरे की सुनी जाती है तभी परिवार। मिनेश जी, अजय माकन जी के मेरे बहुत अच्छे संबंध है, धारीवाल जी तो धारीवाल जी हैं, जी ने सवाल उठाए वो सोच समझ कर बोलते हैं, हमारे संसदीय कार्य मंत्री ने यदि कुछ कहा है तो उसका जवाब वो देंगे। आगे